व्यूअर्स, हम ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी महारानी बाग के एरिया में हैं और यहाँ MCD, NDMC, दिल्ली के जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो एक कंपनी के ज़रिए JC Decox कंपनी के ज़रिए जितने भी पब्लिक बस स्टैंड्स हैं, जितने भी टॉयलेट्स हैं वो उस पर ये स्प्रे छेड़ रहे हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो आपने कैसे बनाया इसको? सर 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में? 2 लीटर पानी में सर एक हमें केमिकल दिया गया है। अच्छा, इसमें खाली ये ढक्कन के बराबर ये केमिकल डालना हमें। ओके, 2 लीटर पानी में इस ढक्कन के बराबर आप केमिकल डाल रहे हैं। हाँ जी, और इसे हम ये पूरे बस स्टैंड में छिड़क रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद आप ये पूरे बस स्टैंड में इसको छिड़ेंगे। ये महारानी बाग बस स्टैंड है और महारानी बाग बस स्टैंड में ये इस तरह से कर रहे हैं, इसको स्प्रे करके इसको डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर। इस तरह से जितने भी जो बोर्ड हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड हैं, उसके बाद जितने भी पिलर्स हैं उसको, ये जो लोग जो बैठते हैं वहाँ पे भी इसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। और दिल्ली में कई हज़ार बस स्टैंड हैं, कई हज़ार टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ लोग शौचालय इस्तेमाल करते हैं, और उन सबको इस कंपनी के ज़रिए JC Decox कंपनी के ज़रिए इसको ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये JC Decox कंपनी ये खुद ही ये सब मेंटेनेंस करते हैं, इसको बनाया है और उसकी फिर मेंटेनेंस इन्हीं की जिम्मेदारी में है। मेन रोड है ये, सीधा इधर एम्स की तरफ जाता है। ये आपका आउटर रिंग रोड कनेक्ट होता है और इसके ऑपोजिट अगर आप देखें ये सीधा नोएडा की तरफ जा रहा है। ये रोड इंडिया के सबसे बिजी रोड माना जाता है। आज आप देख पा रहे हैं सिर्फ जो कुछ 2-4 बसेस दिख रही हैं, क्योंकि सारे बसेस को बंद नहीं किया गया। ये एक पब्लिक बस है, आप देख रहे हैं बस के अंदर अभी एक पब्लिक चढ़ रहे हैं, वो भी आईडी कार्ड देख के। तो इस तरह से पूरा सुनसान है, हम अक्सर इंग्लिश मूवी में देखते थे जॉम्बी वॉम्बी टाइप मूवी के, किस तरह से दिन के दोपहर में बिल्कुल खाली रोड दिखता है। आज लॉकडाउन की दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन में आप बिल्कुल देख रहे, ये दूसरी बस है। यहाँ पे लगभग 4 से 5 लोग आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं। मतलब कितने लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और कितने बसें चल रही है? सर दो बैठते हैं उनको बिठा लेते हैं हम, सरकारी कर्मचारियों को। अच्छा, आवश्यक सेवाओं के लिए उनको बिठा रहे हैं हम, बाकी एक एक सीट छोड़ के बिठवा रहे हैं, गैप दे के बिठा रहे हैं लोगों को। अच्छा, गैप दे के आप बिठा रहे हैं? हाँ, बैक टू बैक में आप नहीं बैठा रहे? नहीं नहीं। तो ये सिर्फ पब्लिक जो सरकारी काम करने नौकरी करने वाले वही है, नॉर्मल पब्लिक नहीं है? हाँ, नॉर्मल पब्लिक नहीं है। अच्छा, जो आवश्यक सेवा लगा रखी है आवश्यक सेवाओं के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, टिकट लगा रखा है उसके लिए भी है। एसेंशियल सर्विस के लिए जो लोग ये कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए। तो ये हॉस्पिटल हुए जी, पुलिस विभाग हुआ, जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं इनके लिए, उनको उनके लिए चला रखी बसें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा है। तो सरकार ने कितनी बसें चल रही है दिल्ली में? सर सारी बसें चल रही है अभी तो। अच्छा, 50% बसें चल रही है? 50 से भी ज्यादा निकल रही है कई बसें। तो सरकारी सर्विसेज के लिए जो लोग अवेलेबल हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी? हाँ, तो आप उसके लिए चार्ज कर रही हैं? फ्री है वो? नहीं, चार्ज तो ले रहे हैं, चार्ज के लिए हमें वो नहीं कहा अभी तो। अच्छा, गवर्नमेंट अगर चार्ज अलाउ नहीं करेगी तो नहीं लेंगे। अच्छा, तो ये आप कहाँ, मतलब आपका कोई पर्टिकुलर रूट फॉलो कर रहे हैं? नहीं, सब रूटों पे गाड़ी चल रही है, अपने अपने रूटों पे जो भी रूट है उन रूटों पे गाड़ी चल रही है। तो आपको बस में कुछ प्रोटेक्शन या सेफ्टी के लिए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मिला है कुछ लेने के लिए? गाड़ी की छिड़काव कर रहे हैं एक तो, ये एक साबुन भी दे रखी है हमें, लाइफ बॉय साबुन दी थी हाथ धोने के लिए। अच्छा, बार बार लाइफ बॉय साबुन दी है हाथ धोने के लिए, इसे हाथ धो लिया अगर बार बार, वहाँ ये डिपो से मिली है हमें अभी। और गाड़ी को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो स्प्रे, वो डिपो में की जा रही है? और डिपो में की जा रही है। हाँ, तो आप जैसे सुबह निकले उससे डिपो में वो करके निकला और फिर जब आप गाड़ी? नहीं, अभी हम हमारी दोपहर की ड्यूटी है, दोपहर से जब निकली गाड़ी जो करके भेजी है और फिर जब जाएगी उसके बाद भी मुझे लगता है उसके बाद में जब दूसरा ड्राइवर लेके आएगा। हाँ, वो करके लेके करवा के लेके आएगा। तो ये DTC के बस हैं और हमने ड्राइवर से अभी बात किया कि किस तरह से सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोग अलाउड हैं, जो एसेंशियल सर्विस के लिए दिल्ली के कर्मचारी, दिल्ली के सरकारी
जो वर्कर हैं वो जो काम कर रहे हैं पूरे दिन उनके लिए, पेट्रोल पंप बैंक वाले इनके लिए ये खास करके ये सर्विस अभी भी कंटिन्यू किया गया, क्योंकि बहुत लोग अपना प्राइवेट व्हीकल में नहीं ट्रैवल करते, उनके लिए इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंतज़ाम की गई है। बिल्कुल पब्लिक डीलिंग कुछ नहीं, यहाँ पब्लिक के लिए कोई भी बस या कुछ भी नहीं चल रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल में कुछ लोग जो चल रहे हैं मुझे लगता है उन्हीं के लिए हैं, जो भी वो भी आम पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जो किसी पर्टिकुलर काम के में इन्वॉल्व हैं उसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।